8 अप्रैल 2024 एक डाटा जारी किया जाता है जिसको सुनने के बाद पूरे भारतीय शॉक्ड हो जाते हैं। भारत को दुनिया का कैंसर कैपिटल कहा गया है। दोस्तों, ये वीडियो आपको देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस कैंसर का हॉटस्पॉट कोई पूरे भारत में है तो वो है बिहार। सरकार जो है गंभीर है और टाटा मेमोरियल के साथ जो है बॉम्बे हो, वाराणसी हो, मुजफ्फरपुर, इसके साथ हम लोग काम भी कर रहे हैं। दोस्तों, हालत इतना बद से बदतर हो गया है कि आप नजर उठा के देखो तो 90% ऐसा चांस है कि आपका कोई ना कोई ऐसा जानने वाला हो जो इस कैंसर से परेशान होगा। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्यों नहीं रोकने का इंतजाम किया जा रहा है कैंसर को? कैसे बन गया बिहार कैंसर का हॉटस्पॉट और कैसे इसको रोका जा सकता है? आइए आज की इस वीडियो में गहराई से समझते हैं। बिहार में कैंसर मरीजों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। एक पंचायत में 60 कैंसर मरीज देख करके वो लोग भी परेशान हो गए। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और पूर्व राज्यसभा सांसद सुशील मोदी को कैंसर की बीमारी हुई है और वो कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रॉब्लम है हॉस्पिटल का। बात करें अगर बिहार की तो जैसे ही किसी इंसान को डॉक्टर बताता है कि आप कैंसर सस्पेक्टेड हैं, मतलब शक है कि आपको कैंसर है, उसके साथ साथ ये भी बताता है कि आप या तो बॉम्बे चले जाइए, दिल्ली चले जाइए या फिर पटना जाइए, वहाँ पे ही आप ये जान भी सकते हैं कि आपको कैंसर हुआ भी है कि नहीं हुआ है। और बिहार में बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार हैं जो जानने के बाद इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और वो हॉस्पिटल नहीं जा पाते हैं। कल के एकरा कैंसर हो गया, एकरा ले जाइए पटना, बाकी चाहे दिल्ली ले जाइए, तो उतना जी रहती है तब ना। तो इलाज वगैरह नहीं करवा पाए आप लोग? नहीं, कथे नहीं कर रहे, पैसे नहीं कथा कर, पैसे नहीं रहे तो कथा से कर। दूसरा और सबसे जरूरी, पानी में पाए जाने वाला आर्सेनिक। आपको बता दें, बिहार में टोटल 38 जिले हैं जिसमें 18 ऐसे जिले हैं जहां के पानी में आर्सेनिक पाया जाता है। अब आप ये समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये आर्सेनिक है क्या और ये आर्सेनिक कर क्या सकता है। आपका जो पहला क्वेश्चन है कि आर्सेनिक क्या कर सकता है, तो उसके बारे में अक्सर मैं बोलता हूँ कि बेटर हो कि आप ये पूछिए कि आर्सेनिक क्या नहीं कर सकता है। कैंसर ही नहीं, कैंसर तो सबसे प्रमुख बीमारी है जो आर्सेनिक के पाए जाने से होता है। आर्सेनिक का लगातार सेवन से इंसान का डीएनए खराब हो जाता है जिससे बहुत सारी गंभीर बीमारी होती है। और एक बार दोबारा सुनिए, आर्सेनिक बिहार के 18 जिला के पानी में मौजूद है। मेरे पानी में आयरन ज़्यादा है और आर्सेनिक, उससे तकलीफ होता है, पेट में प्रॉब्लम होता है, उससे कैंसर होता है। तीसरा जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो है हॉस्पिटल की कमी। दोस्तों, यहाँ पे अगर कोई नेता आता है तो वो कहता है राम राम नवमी, अयोध्या 370, मोदी गरीब है, गरीब का बच्चा है, ओबीसी है, वो देखो मुर्गा खा रहा है, मछली खा रहा है, इस सब पर बात करते हैं। मतलब ऐसे काहे होता है बिहार के साथ रे भाई। और हॉस्पिटल के भारी कमी होने के वजह से लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि उसको कैंसर नाम का कोई बीमारी हुआ भी था, क्योंकि यहाँ पे जांच करके डॉक्टर्स बताते ही नहीं हैं। और फिर साल दो साल बाद जब स्टेज फोर में पहुंच जाता है ये बीमारी, तब लोगों को पता चलता है और उस समय तक बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, आप इस बात को जान के हैरान हो जाइएगा कि बिहार में किसी भी बच्चे को कैंसर से बचने के लिए किसी भी तरीके से जागरूकता वाली बात ही नहीं की जाती है। इतना ही नहीं, किसी भी प्रकार का टीका नहीं दिया जाता है। Fight and defeat cancer every single day. लेकिन आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि कैसे कैंसर से बचाव किया जा सकता है जिससे आप भी सुरक्षित रह सकें और अपने परिवार को भी इस फैलते हुए महामारी में सुरक्षित रख सकें। दोस्तों, सबसे पहले सबसे जरूरी बात, अपने हेल्थ को किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश ना करें। अगर आपके शरीर में कोई भी तकलीफ छोटा सा भी है तो उसको जाके डॉक्टर से जरूर दिखाएं, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो नजदीकी सदर अस्पताल में जाके खुद का इलाज करवाएं। और उस बात को तो बिल्कुल भी इग्नोर ना करें जो कि आपके शरीर में कुछ अनवांटेड है, मतलब अचानक से कहीं फूला हुआ नजर आ रहा है, अचानक से कोई बहुत ज्यादा पुराना घाव है, उस चीज का अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में जांच कराएं। दोस्तों, तीसरा और सबसे जरूरी, अभी चुनाव का सरगर्मी है और यहाँ पे आप अपने नेता को, बेस्ट नेता को चुने जो आपके हेल्थ के बारे में बात करे, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करे, जो स्वास्थ्य को प्रायोरिटी दे, उस नेता को वोट करे ताकि आप और आपका परिवार, आपका गांव, आपका जिला सुरक्षित रह सके इस बढ़ती हुई महामारी के दौर में। घर में अगर कोई छोटा बच्चा है तो जिस तरीके से ध्यान से आप जाके पोलियो का सुई दिलवाते हैं, जिस तरीके से टीवी का वैक्सीन पहले ही दिलवा देते हैं, उस तरीके से डॉक्टर से जाके पता कीजिए कि भविष्य में कैंसर से बचने के लिए क्या स्टेप उठाए जा सकते हैं और उस बच्चे के साथ जरूर करवाइए।
आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट, इस वीडियो को शेयर करके सभी लोगों को बता दीजिए कि आपका भारत जो है वो कैंसर कैपिटल बन गया है और बिहार उसका हॉट स्पॉट। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।